किसी ने कहा साइंस लो, किसी ने कहा आर्ट्स, तो किसी ने कहा कॉमर्स से बेस्ट तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन कोई मुझसे भी तो पूछे कि मुझे क्या सब्जेक्ट लेना है, मुझे क्या पढ़ना है। बहुत से स्टूडेंट्स टेंथ के बाद कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि टेंथ के बाद अगर आप एक सही सब्जेक्ट नहीं चुनते हैं तो आगे जाकर के आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोटिवेशनल ट्रेडर के यूट्यूब चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 10वीं के बाद क्या करें, व्हाट टू डू आफ्टर 10th और क्या ना करें। 10th पास करने के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है और ये जानना भी जरूरी है कि 10वीं और 12वीं में हमें क्या क्या पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आपको आगे जाकर काफी हेल्प मिलेगी। ज्यादा लोग बिना सोचे ही 10th के बाद कोई भी सब्जेक्ट ले लेते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। तो इसीलिए 10th के बाद एक सही सब्जेक्ट को चुनना बहुत इम्पोर्टेंट है एक अच्छा करियर बनाने के लिए। तो चलिए जानते हैं कि हमें 10th के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करना चाहिए, साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। पहला है, 10th के बाद आर्ट सब्जेक्ट क्यों ले। 10वीं पास करने के बाद सबसे पहला सब्जेक्ट जो आता है वो है आर्ट्स। ये सब्जेक्ट वो बच्चे लेते हैं जिनके 10वीं बोर्ड एग्जाम में कम मार्क्स आते हैं। 50% लोगों के मन में ये वहम है कि आर्ट्स लेने से आगे जिंदगी में कुछ भी स्कोप नहीं है, इस सब्जेक्ट को लेने से कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, इसमें आप आगे जाकर एक अच्छे पॉलिटिशियन, वकील, कोर्ट जज बन सकते हैं। चलिए अब जानते हैं आर्ट्स स्ट्रीम में कौन कौन से सब्जेक्ट मिलेंगे। पहला है हिस्ट्री। आर्ट्स में सबसे पहला सब्जेक्ट है हिस्ट्री, यानी कि इतिहास, जो कि थोड़ा सा बोरिंग है, जिनका इंटरेस्ट नहीं है उनके लिए। दूसरा है इंग्लिश। इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है, लिटरेचर सिखाई जाती है, बहुत सारी और भी चीजें। तीसरा है ज्योग्राफी, जिसे हम भूगोल भी कहते हैं, इसमें आपको पृथ्वी के बारे में ज्यादा जानकारी मिलेगी। साइकोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको मनुष्य के दिमाग और उसके बिहेवियर के बारे में काफी सारे फैक्टर्स जानने को मिलेंगे। अगला है पॉलिटिकल साइंस। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के गवर्नमेंट यानी कि सरकार से रिलेटेड काफी सारी चीजें पढ़ने को मिलेंगी। इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमी यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ये तो थी आर्ट सब्जेक्ट की बात, और आगे 10th के बाद कॉमर्स सब्जेक्ट क्यों ले और क्या क्या करना चाहिए, तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। कॉमर्स को लेने के लिए आपके 60% मार्क्स होने चाहिए और आपको बैंकिंग में इंटरेस्ट है या फिर सीए बनना चाहते हैं, तो ये सब्जेक्ट आपके लिए बेस्ट है। पहला है अकाउंटेंसी। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको हिसाब किताब सिखाया जाता है, जैसे कि बिजनेस, बैंक में पैसा जमा करना और निकालना आदि। इकोनॉमिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको भारत के इकोनॉमी यानी कि गुड्स एंड सर्विस सेल के बारे में जानकारी मिलेगी। तीसरा है बिजनेस स्टडीज। इस सब्जेक्ट के अंदर आपको बिजनेस के बारे में पढ़ाया जाता है कि कैसे बिजनेस करें और इसमें क्या क्या जरूरत होती है। मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाई जाती है, जो कि आगे जाकर के कई जगह काफी काम आने वाली है। इंग्लिश, इस सब्जेक्ट में आपको इंग्लिश ग्रामर सिखाई जाती है, जिससे आप अपनी अंग्रेजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये हुई कॉमर्स की बात। अब बात करते हैं साइंस को क्यों ले और इसे करने से क्या क्या बन सकते हैं। साइंस सब्जेक्ट वही बच्चे लेते हैं जो पढ़ाई में ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। अगर आप पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, तो इस सब्जेक्ट को बिल्कुल भी मत चुने। लेकिन अगर आपको आगे जाकर इंजीनियर, डॉक्टर, साइंटिस्ट बनना है, तो आप ये सब्जेक्ट ले सकते हैं। साइंस को दो सब्जेक्ट में बांटा जाता है, पहला है मेडिकल और दूसरा है नॉन मेडिकल। यानी अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको मेडिकल साइंस लेना होगा, और अगर आपको इंजीनियर बनना है तो नॉन मेडिकल लेना होगा। अब जानते हैं सब्जेक्ट्स के बारे में। फिजिक्स, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको पदार्थ, गति और ऊर्जा इत्यादि के बारे में जानने को मिलेगा। केमिस्ट्री, इस सब्जेक्ट में आपको रसायन विज्ञान के बारे में पढ़ने को मिलेगा, जैसे कि पानी, केमिकल और गैस। बायोलॉजी, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको जीव विज्ञान के बारे में जानने को मिलेगा, जैसे कि मानव शरीर, ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, कैसे बनते हैं, डिजीज एक्सेट्रा। मैथमेटिक्स, इस सब्जेक्ट में आपको मैथ सिखाई जाती है, जो कि आगे जाकर के कई जगह काफी काम आने वाली है। कंप्यूटर साइंस, इस सब्जेक्ट के अंदर आपको कंप्यूटर के बारे में पढ़ाया जाएगा कि कंप्यूटर क्या है, सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं, इंटरनेट एक्सेट्रा। तो दोस्तों, आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी 10th क्लास में बहुत ही अच्छे मार्क्स से पास हो जाएं। वैसे तो हमने अपना इंस्टाग्राम पेज बना रखा है @motivationaltrader2022, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जानकारी चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।